का गुरु, सांझ का बाट का चेला। सत्यवारी बाबा, ठाट का गुरु बाट का चेला, शाम पड़ी तो अकेला अकेला। पैसे वाला है तो आरती कर लेगा, गरीब है तो पीछे बैठा रहेगा। यजमान बड़ा है तो बढ़िया कथा होगी, भीड़ कम है तो कथा में कैंची लग जाएगी। अरे मेरे भाई बहन, गुरु तो विरक्त होता है, गुरु के धन की कहाँ से आवश्यकता। इसलिए हम लोग खास तौर से अगर हम अपनी बात करें, आप भगवान की कथा कर रहे हैं, इसमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बता दूं आपको कि हम आज तक कभी भी कहीं भी कथा करते हैं तो ये नहीं होता है कि 2 लाख होगा तो कथा करेंगे। निष्काम भाव से, ना मैंने धर्म को बेचा, ना वेद को बेचा, ना बेचने वालों के साथ बैठता। और हमारी कथाओं में सबके लिए बराबर का प्रभाव है, क्योंकि अगर एक आयोजक है तो दूसरा सम आयोजक है। इसलिए धन लेकर कथा नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने गुरु को इतना महत्व दिया है, और आज के चेले कैसे करते हैं तिवारी बाबा। एक बार हुआ क्या, एक शिष्य गुरु के सामने बैठ गया। गुरु जी आसन पे बैठे, ना मैं गुरु जी मैं नीचे बैठूं। गुरु जी कह रहे भाई भावे ही विद्यते, अगर हृदय में भाव है, हृदय में आपके उच्च आसन है, आपके नेत्रों में गुरु की छवि समाहित है, तो ये तो भौतिक व्यवस्था है। ना गुरु जी आपके बराबर कैसे बैठूं। लो बेटा, फिर बोले आप कुर्सी पे बैठो, मैं नीचे बैठ जाऊं। बोला बेटा अगर मैं नीचे बैठा तो क्या करेगो, कि जब आप नीचे बैठोगे ना तो मैं जमीन में 5 फुट का खड्डा खोद के उसमें बैठ जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा बेटा अगर मैं उस खड्डे में बैठ गया तो क्या करे वो, बोले लड्डू बांट दूंगा, समाधि लगा दूंगा। आजकल चले चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं प्रभु मेरा कुछ नहीं है, आपका ही सब कुछ है, लेकिन गुरु महिमा को कौन जाने। हरि गुरु भक्ति में, वो गुरु भक्ति में कितना स्वाद, गुरु भक्ति में कितना है स्वाद, निगुड़ा क्या जाने। गुरु भक्ति में कितना स्वाद, निगुड़ा क्या जाने। गुरु भक्ति में मुक्ति मिले ना।
जाके गुरु के चरण अनुराग निगुड़ा यह अनुचित एको
बंधु बिहाय बड़े अभिषेको प्रभु स प्रेम पछतान सुहाए हरहु भगत मन के कुशला। निर्णय ले लिया है, महाराज का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। अब आप ध्यान देंगे, एक तरफ भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है कि बाज ही बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। पूरे नगर में लोग आनंद बरसा रहे हैं और कहते हैं आज हमारे राम जी राजा बने। तो काली लगन भली खेती कबाजा पूजी विधि अभिलाषो हमार कनक सिंहासन सीय समेता बैठे ही राम होय चित चेता सकल कहै कब होई है काली विघ्न मनावही देव कुछ। अयोध्या में महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज देवताओं को अच्छी नहीं लग रही है। विघ्न मनावही देव कुचाल। देवता कहते हैं प्रभु है विधि है मां शारदा, कोई ऐसी व्यवस्था कर कि भगवान का राज्याभिषेक ना हो, क्योंकि अगर भगवान राज का आनंद लेने लगेंगे तो उस वादे का क्या होगा। देव ऋषि नारद ने जो श्राप दिया है उसका क्या होगा। रावण को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसका क्या होगा। कि जब जब हो ये धर्म कै आनी और बाढ़ है असुर महायज्ञ। इन्होंने जो वादा किया है उनका क्या होगा। कि नहीं न सोही नया वध बधावा तीन न सोहाई नया वध बधावा चोर ही चांदनी रात न भा। देवताओं को अयोध्या का यह आनंद अच्छा नहीं लगता है। उपमा जैसे चोर को चांदनी रात न अच्छी लगती हो। शारद बोली विनय सुर करही बारह बार पायल गहे। माँ शारदा की स्तुति कर रहे हैं, बार बार उसके चरणों में वंदन कर रहे हैं। ए माँ कि विपत्ति हमारी विलोक बड़े कि विपत्ति हमारी विलोक बड़े माँ तो करिए सोई काज राम जाहि बन राज तजी होए सकल सुर का। आज सारे देवता माँ शारदा से वंदन कर रहे रे माँ कुछ ऐसे मती को फेर दे कि आज भगवान राम राज छोड़ करके वनवास में चले जाए। हमारी विपत्ति को सुन मेरी माँ शारदा। सुनि सुर बिने ठाढ़ी पछताती भय उस रोज विपिन ही मेरा। देवताओं की बात को सुनकर माँ शारदा इतनी परेशान हो रही हैं, पछता रही हैं कि जैसे रात्रि हो गई हो दिवस में। हेमंत ऋतुओं में रात हो जाए तो सन्नाटा छा जाता है, ऐसे पीड़ा में आहा आज मेरे से क्या हो रहा है। कि देखी देव पुनि कहाँ ही निहोरे माँ
तू ही नहीं थोरी अखो। सारे देवताओं ने मिलकर माँ शारदा से निवेदन किया और माँ शारदा ने थोड़ी सी अपनी कृपा बरसाई है। अक्सर मैं कहता हूं कथा में कि सुमति कुमति सबके उर नहीं, हर आदमी के हृदय में शुद्धमति और कुमति का वास है, लेकिन हम ऐसी दशा है कि एक आदमी बहुत गरीबी में भटक रहा था, जी रहा था। गुरु महाराज ने उसे पारस मणि दे दी और उसे कहा, ले जा इसे संभाल के रख, जब तेरा बुरा वक्त आएगा तो लोहे को सुला देना, स्पर्श करा देना, सोना बन जाएगा। मूर्ख घर लाया, रख के भूल गया। तो जिन्हें सब कुछ सुनने की भूल जाने की आदत हो उनके लिए ज्ञान की पात्रता है ही नहीं, जिसे सुन के याद रखने की आदत हो उसे सुनाने में भी मजा आता है और सिखाने में भी मजा आता है। जो सुन के भूल जाए उसे कितना सिखाओगे, उसे ज्यादा सिखाने जाओगे तो तुम्हें हरा रास्ता भूल जाओगे। बड़ा गरीब दर दर भीख मांग रहा है, भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। गुरु महाराज का फिर से आगमन हुआ, बालक कहाँ जा रहा है तू? बोले महाराज बड़ी गरीबी आ गई, खाने की रोटी नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं रह गया, अब देखता हूं कहीं से 10 रुपए मिल जाए। गुरु महाराज ने कहा, तुझे तो मैंने ऐसी दौलत दे दी थी बेटा कि अगर तू उसे संभाल के रखता, उसकी हिफाजत करता तो तेरे आगे दुनिया सर झुका देती। बोले गुरुजी भूल गया। बोले तू भूल गया तो मैं याद दिला देता हूं, एक बार कहां रखा है? कहने लगे फला कमरे में इस तरफ रखा है, जा। हाँ मैं तो वहां गया ही नहीं, दुनिया की ये रीति है जब थोड़ा सा आसन ऊंचा हो जाए ना तो पहला प्रहार गुरु पे ही करते, प्रकृति का नियम है। जैसे आग है ना, आग जलती है, आग से बादल बनता है, बारिश हो के पहले आग को ही बुझा देते। जा करके देखा, गुरु महाराज ने बताया मणि तो मिल गई साहब, बाबा तिवारी मणि मिल गई और मणि को लेकर लोहे से स्पर्श करा रहा है, स्पर्श कर रहा है, सोना बने ही ना। गुरु महाराज के पास आ गया, बोले तुम धोखेबाज हो, तुम मतलबी हो, तुम पाखंडी हो, आजकल कौन सा अंग्रेजी में नया वर्ड बोलते, सेल्फिश है ना, सेल्फिश हो। उसने कहा क्यों, मेरी क्या दोष है भाई, मैं कहां से सेल्फिश हो गया? कह मैं पारस मणि को बार बार लगा रहा हूं लोहे से, पर लोहा सोना बन नहीं रहा। गुरु महाराज कहे भाई तो मेरी मुझे दे दे। बोले नहीं गुरुदेव, आप चलिए और प्रत्यक्ष कराइए, सब कुछ छोड़ो, भावनाओं को समझो। गुरु महाराज पहुंचे, कहे लगा, उसने उठाया पारस मणि और लोहे को लगाया, कहां बन रहा है सोना? देखो देखो, 1000 बार लगा रहा हूं नहीं बनता, देखो देखो नहीं बनता। गुरु महाराज ने कहा इधर आ। गुरु महाराज ने उसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा था उसे हटा दिया और तुरंत सोना बन गया। कहने का श्रेय है, जब तक आपके जीवन में ये भ्रम है तब तक सोना पारस मणि लगाने से भी लोहा नहीं बनेगा, और अगर आपके मन से भय और भ्रम दोनों दूर हो जाए तो परमात्मा आपके नजदीक आएगा। भय और भ्रम है तो आपके सामने परमात्मा नहीं आएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं, प्रसंग की तरफ चलेंगे, मेरा एक गीत है कि तप चाहे जितना कर ले, हो जब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा। तप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा।
मूरख बंदी जब तक न खुद को तू मिटाएगा, मूरख बंदी जब तक न खुद को मिटाएगा। सब चाहे जितना कर ले, सब चाहे जितना कर ले, सब चाहे जितना कर ले, जब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा। मूरख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा, मूरख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा, मूरख बंदे जब तक न खुद को मिटाएगा। आप लाख तप करो, लाख जप करो। रामायण में कहा गया कि तापस तप जप वेग विरागा, तापस तप जप जोग विरागा, काम क्रोध मद अति अनुराग। तपस्वी हो जाओ, योगी हो जाओ, सारी क्रियाएं कर लो, अगर काम क्रोध मद में अनुराग है तो सब कुछ व्यर्थ है। देवताओं ने मिलकर के स्तुति की है कि आगिल काज बिचारी बहोरी करियहि चाह कुशलक बिमोरी, हरसि हृदय दशरथ पुर जनु ग्रह दुसह दशा दुखदा। देवताओं ने निवेदन किया है और मां शारदा हरसि हृदय दशरथ पुर और जनु ग्रह दशा दुसह दुख। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो आपको याद ही नहीं रहता आप कौन हो, कहां हो, क्या। ऐसे आज देवताओं के निवेदन को सुना है। कुछ टीकाकार, कुछ कवि अपने स्तर से केकई को दोषी मानते हैं कि केकई के कारण भगवान राम का वन हुआ, वनवास हुआ। लेकिन मेरे भाई बहन, केकई से ज्यादा राम को प्रेम कोई करता ही नहीं था। एक जगह प्रमाण आया, भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, दशरथ ने बुलाया, भगवान राम ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कौशल्या ने बुलाया, राम नहीं आए। सुमित्रा ने बुलाया तो राम नहीं आए। लेकिन जैसे केकई का बुलावा आया, भगवान भागते हुए चले आए, क्योंकि रामायण में केकई को प्रेम का प्रतीक माना गया है। केकई के कारण वनवास नहीं हुआ है, बल्कि होनी है। देवताओं ने स्तुति की माध्यम बना दिया केकई को, क्योंकि अगर भगवान राम राज्य का भोग करते तो उन संतों का क्या होता। तुम्हारी बाबा, अब जिसके घर के दरवाजे बढ़िया बने हो उस घर में कोई चोर आता है क्या? और जिसका दरवाजा ही कमजोर है कोई भी घुस जाएगा। ऐसे जिनके जीवन में सतगुरु के ज्ञान का कवच हो और उसे रोज करते हो, जिनके जीवन में गुरु की बातें स्मरण हो, जिसने गुरु को सर्वोपर मान लिया हो, उसके यहाँ कभी भी कुबुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि वो माया में नहीं फंसेगा, ना ही उसके अंदर अहंकार होगा। मेरे भाई बहन, जब तक आप अपने घर में बैठे हो तब तक दुनिया कहती है मेरे घर आ जाना। जिस दिन बेघर होकर सड़क पर खड़े हो जाओगे तुम्हारा रोया भी कह देगा मैं इसे पहचानता हूं। शरीर का ये रोया है ना बहुत शोभा बढ़ाता है, लेकिन आप याद करिएगा जब बुरे वक्त आते हैं तो ये भी साथ छोड़कर नीचे गिर जाता है। जब तक आप कहीं मंचासीन हो, जब तक आप कहीं
दो वक्त की रोटी और तन के वस्त्र कमा रहे हो तब तक दूसरा कहेगा मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। और जिस दिन इसे छोड़ दिया उस दिन तो कोई पूछने वाला भी नहीं। मेरी बात बुरी लगती हो लोकेश जी तो कोई बात ना, पर अनुभव है ऐसे जी। जब तक आप अपने घर में बैठे हो तभी तक आपको दुनिया कहेगी कि आ जाना मेरे घर, और जिस दिन आप बेघर हो गए उस दिन आपको कोई नहीं कहेगा कि मेरे घर आ जाओ। कहता है कोई? और इसका अगर अनुभव लेना है तो इस सड़क पे आज खड़े हो जाओ और अपने आप को ये फील कर लो कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो संसारिक मगरमच्छ कितने नजर आएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इस सड़क पे खड़े हो जाओगे कि आज मेरे पास एक रुपया नहीं है, आज मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, तब आपको एहसास होगा कि आपको जो साथ दे रहा था वो कौन था। ऐसी अनुभूति हर जगह होती है। केकई का कोई दोष आध्यात्मिक तथ्यों से नहीं माना गया, लेकिन नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी अजस बिटारी ताही कर गई गिरामति फे। बाकी और कहीं तो प्रवेश नहीं कर सकती ना, क्यों भैया? केकई में प्रवेश आसानी से नहीं कर सकती, गुरु कृपा है। कौशल्या में नहीं कर सकती, गुरु कृपा है। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में रह के गुरु कृपा से वंचित हो जाए वहां तो चारों तरफ से आ ही जाएगी ना। मंथरा मनथरा, जिसके मन में बहुत बड़ा कपट का थाल हो उसे कहते हैं मनथरा। गोस्वामी जी ने अजस पिटारी कहा है, अजस जिसके जीवन में सिर्फ अपयस ही हो, अपजसों की खान तेरी काली जुबान, कहते हैं ना ये जुबान जो चाहे वो करवा ले। और शारदा की जगह कहाँ है? जुबान। और यही 2.5 इंच की जुबान आदमी को मरवा दे और मार भी जा, ये 2.5 इंच की जुबान पे जब शारदा आ जाए ना तो उसे मारने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही मर जा। केकई भला सुनने वाली थी राम के बारे में, दास ही। यहां पर वर्णों का प्रभाव है, जिसके घर के दरवाजे कमजोर होते हैं भैया चोर घुस ही जाते हैं। दासी उसकी मन की मलिनता है, उसके ऊंची सोच ना हो। आज भी देखिए अपने घर में मंथरा तो बहुत है, आसपास में इधर उधर के परिवार को टकराव कराने के लिए मंथरा है। जिस आदमी के मन में मलिनता हो, निगेटिव सोचता हो, क्यों तिवारी बाबा, ऊंची सोच ना रखता हो, अपने आप को सर्वज्ञ सर्वेश्वर समझता हो, उसी के जीवन में मंथरा का प्रवेश होता है। वेदों ने यहां तक कहा है कि सबकी जिह्वा पर, गुरु कृपा की तो बात छोड़िए, साधना की बात छोड़िए, एक बार सबकी जिह्वा पर मां शारदा का वास होता है। इसलिए बोलो तो सोच कर बोलो। कई बार आप सबने संसारियों ने भी अनुभव लिया होगा, जा तेरा नाश हो जा, अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो जावे, अरे राम मेरी तो भाखा सच हो गई, मुझे पाप लग गया। बोल